तो आज हम वेरिएबल्स के बाद बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट टाइप और भी वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बारे में कैसे जानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी बात जानते हैं कि मुझे सबसे पहले जानना है एरे के बारे में। एरे क्या है? अब मान लीजिए कि मुझे तीन चार डेटा स्टोर करनी है, तो हम क्या करेंगे, तीन चार वेरिएबल ले लेंगे कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एज ए हमने कर दिया इंटीजर या लॉन्ग, राइट। फिर मैं यहाँ पे ए इक्वल टू वैल्यू स्टोर कर दूंगा, बी इक्वल टू वैल्यू स्टोर कर दूंगा, सी इक्वल टू वैल्यू स्टोर कर दूंगा एंड डी इक्वल टू वैल्यू स्टोर कर दूंगा। तो ये तो जो तीन चार है इसलिए अप्लाई कर दिया आपने। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पूरा टेबल एक वेरिएबल पर डालना पड़ता है, समझे। तो मुझे इंटीजर के ही 10 वेरिएबल चाहिए, तो मैं 10 अलग अलग वेरिएबल ना डाल के एक सिंपल सा क्या करूंगा, मैं एरे कर लूंगा। यहां पे लिखेंगे कि डिम, मान लीजिए ए आर, और यहां पे हमने लिख दिया 1 to 10 एज ए इंटीजर। इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे की इसे बोलते हैं क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमारा रो है। तो ये क्या करेगा, जो बैकएंड में एक टेबल क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इस टेबल का नाम रखेगा ए आर, और इसके कितने हैं, 1 to 10 है, तो 1 to 10 ए इस तरह से खाना बना देगा, 1 2 3 इस तरह से 10 खाने बना देगा, और सबको एक सीक्वेंस नंबर दे देगा, 1 2 3 4 5 6 to 10 तक, ठीक है। अब मैंने यहां पे सिंपल सा लिखा यहां पे कि ए आर, यहां पे मैंने दे दिया 1 is 50, फिर ए आर 2 equal to 30 ए आर। तो इसको क्या है कि आप लूप की मदद से भी इसके ऊपर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, समझ गए सर। तो इसलिए एरे इस्तेमाल होता है। तो ए क्या करेगा, यहां पे रख देगा 1, यहां पे रख देगा, यहां पे ए 50 इस पे रख देगा, 1 पे 60 इस पे रख देगा। तो ये आपका सिंगल डायमेंशन एरे आप यूज करते हो। तो यहां पे क्या हुआ कि आप 10 अलग अलग वेरिएबल डालने से तो बच गए, क्या सर, आपने एक एरे डाल लिया। तो था सिंगल डायमेंशन एरे। अब बात करती है मल्टी डायमेंशन एरे की। तो जैसे कि मेरे पास पूरा एक टेबल है, तो हमने यहां पे लिख दिया कि डिम टी एज ए, मान लीजिए इंटीजर, तो सिंपल वेरिएबल हुआ, तो डिम कर दिया डिम। अब इसी में हम ब्रैकेट में कर देते हैं 1 to 10 एंड कॉमा 1 to 5, समझे। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशन। तो ये क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा बैकएंड में जिसके अंदर 10 रो, क्योंकि पहला जो पार्ट होता है ना ये वाला, पहला होता है किसका, रो का, दूसरा होता है कॉलम का, समझे। तो इस तरह से रो एंड कॉलम बनाएंगे, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन एरे, इस तरह से। तो जब एक पूरा का पूरा टेबल उठाना होगा तो लूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर लूप के बारे में बताओ ना सर, लूप। लूप बताएंगे आगे आएगा क्लासेस। तो टेबल प्लस वो नंबर्स दे देता क्या? हाँ, तो अगर मुझे, अगर हमको इस पे वैल्यू असाइन करनी होगी तो क्या करेंगे, 1 comma 1 equal to 30, टी यहां पे 1 row दूसरा कॉलम इक्वल टू 50, टी 1 row तीसरा कॉलम। इसका यूज हम डेली वर्क में कैसे करेंगे, मतलब किस टाइप के डेली वर्क में नहीं होता है। जैसे कि क्या होता है कि आपको कहीं से टेबल लेके कहीं और डालना है, मान लीजिए पूरी की पूरी एक टेबल को आपको लिस्ट बॉक्स में डालना है, मैसेज बॉक्स में डालना है,
या एक टेबल को लेना है, फिर उसके अंदर डुप्लीकेट को रिमूव करके फिर वापस रिटर्न करना है, तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल मैं बताऊंगा, फिलहाल आप जान जाइए कि एरे क्या होता है, ठीक है ना? क्योंकि तो इसके इसके इस्तेमाल के लिए कुछ और चीजें सीखनी होगी जो कि हम आगे क्लास में सीखेंगे, राइट? लेकिन सिंपल सी अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि आपको अगर एक ही, मान लीजिए कि पांच को वेरिएबल लेना है आपको, सेम कास्ट का इंटीजर है या लॉन्ग लेना है, इसे यहां पे हमने लिया ना चार वेरिएबल, ये सर, तो चार अलग अलग ना लेके आप एक एरे ले लीजिए, समझे? यस सर। तो ये हमारा एरे आता है। एरे समझ में आ गया आपको, सिंपल जी, लेकिन इसका यूज हम आगे क्लासेस में समझाएंगे। एरे के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम यहां पे डिम आर एज ए रेंज में, अब यहां पे मैंने सेट कर देता हूं कि सेट आर इक्वल टू, हमने बोला कि ए वन रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन, कर दिया ना सर। अब जो कंट्रोल ए होगा, जो करेंट रीजन होगा, वो किस पे आ गया? आर पे आ गया। अब मुझे आगे कुछ भी करना है, आर यूज करेंगे, आर डॉट कॉपी, आर डॉट पेस्ट स्पेशल, या आर डॉट इंटीरियर। तो अब आगे जो भी हमें करेंट रीजन पे करना है वो हम आर के ऊपर करेंगे, समझे सर? तो याद रखिएगा, जब भी एक यहां पे देखिए, जब भी हमें डेटा स्टोर करना होता है तो हम वेरिएबल्स लेते हैं, राइट? और वहां पे हम डायरेक्टली इक्वल करते हैं, जैसे कि हम यहां पे कर दिया ए इक्वल टू 20, चाहे ए आर वन इक्वल टू 20 कर दिया ना सर। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो सेट होता है, क्योंकि हम असाइन करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि आप सामान खरीदते हो, राइट? क्या आप जमीन खरीदते हो? आप बोल रहे हाँ सर खरीदता हूं, लेकिन वो जमीन आपकी भाषा में खरीदा गया, गवर्नमेंट जमीन उठा के आपको घर पे तो नहीं भेज देती है, वो आपके नाम पे ट्रांसफर करती है ना पेपर, जमीन जहां वही रहता है ना सर, डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ट्रांसफर होते हैं ना। अब थोड़ी कि ट्रक लेके गए या पूरा जमीन आपने ट्रक में लोड किया लेके चले आए, सेम थिंग यहां ऑब्जेक्ट जो होता है असाइन होता है। तो हमने ए वन डॉट करेंट रीजन को असाइन कर दिया किस पे? आर पे। अब ए वन डॉट करेंट रीजन को कहीं भी यूज करना हो उसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। तो ये कब होता है? आपको याद होगा जब मैंने सिलेक्शन में थर्ड पढ़ाया था तो बड़े दो दो लाइन तीन तीन लाइन के बड़े कॉम्प्लिकेटेड एड्रेसेस थे, जैसे मान लीजिए कि आपको वर्कबुक में जाना है, शीट्स में जाना है, उसके अंदर जाके आपको मैंने कि एंड अप करना है ना और लेना है, तो बड़े बड़े लाइन के जो कोड होते हैं, रेंज कोड होते हैं, उसको आसानी से असाइन कर दीजिए किस पे? आर पे, ठीक है। दूसरा, आप हमने रेंज लिया है तो हम यहाँ वर्कशीट भी ले सकते हैं कि डिम आ, यहां पर हमने कर दिया डब्ल्यू एज ए वर्क शीट, यहाँ पे वर्क शीट होगा, ठीक है ना? ये भी ऑब्जेक्ट में आता है, ऑब्जेक्ट ही है। अब यहाँ पे करेंगे सेट w इक्वल टू एक्टिव शीट, या जो भी शीट का रेफरेंस दे दीजिए। अब शीट के ऊपर कुछ भी करना है, शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा, कुछ भी कर सकते हैं आप, समझ गए? ऐसे सेट B इक्वल टू यहां पे, सॉरी यहां पे हम कर देते डिम B एज ए, हमने बोल दिया वर्कबुक, ठीक है ना? यहां पे सेट B इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक, या कोई वर्कबुक का नाम दे दीजिए। अब B के ऊपर जो करना चाहते B को सेव एज करना है, B डॉट सेव एज, अच्छा B ऊपर डिफाइन किया गया है ना, इसलिए हम यहां पे बी के कर देते हैं, बी के डॉट, अच्छा ऊपर तो बी के नहीं ना है, यहाँ बी के, यहाँ भी बी के करो ना सर, बी के डॉट, अब आ गया ना सर,
सेव एज, सेव सेव एज, पूरा फाइल के वर्क के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ जैसे ये शीट के लिए हमने वेरिएबल डिसाइड किया ऑब्जेक्ट डब्ल्यू और वर्कबुक के लिए बीके किया, तो ये सिर्फ वही शीट के लिए करेगा, जी वही जी जी शीट जो और आपने वर्कबुक के लिए असाइन करेगा किया है सर? ना, जो आपने एक डिफाइन कर लिया और फिर आपने क्या किया उसके ऊपर एक पर्टिकुलर शीट को असाइन किया, जी, तो डिफाइन सर करने से ये नहीं तो चलेगा, आपको देना तो पड़ेगा ना कि कौन सा शीट है, कौन सा फाइल है। ठीक ठीक है है, सर, समझे? यस सर, इस तरह से सारे ऑब्जेक्ट चार्ट पिवट वगैरह सब कुछ असाइन करेंगे, आगे क्लासेस में आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हमेशा सेट होता है, राइट? अब सेट सिर्फ हम ऑब्जेक्ट नहीं, हम प्रोसीजर को भी कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने लिख दिया कि सेट एड एडी, एडी इक्वल टू, हमने बोल दिया कि शीट्स डॉट एड, हमने बोला कि एडी जो है ना शीट ऐड करने की प्रोसीजर है। अब यहां मैं विथ कमांड लगा के विथ एडी यहां पे लिख देता हूं डॉट नेम इक्वल टू डेटा, ठीक है, डॉट टैब कलर इक्वल टू वीवी रेड, और जो भी करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। एंड तो सीट ऐड होगा लेकिन वो नेम वगैरह के साथ होगा, क्योंकि तो हमने सीट ऐड करने की जो प्रोसीजर है उसको हमने क्या कर लिया है, एक वेरिएबल में डाल लिया है। तो हम प्रोसीजर को भी, मतलब कि एक स्टेप को भी वेरिएबल में डाल सकते हैं, उसके लिए वेरिएबल डिफाइन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट असाइन करना पड़ता है। क्लियर है, समझे सर? यस सर, अब इसको एक बार अपने हाँ हिसाब से रट्टा देख लीजिए। हम कल से जो है आपके इफ कंडीशंस, और इफ कंडीशंस में सारे जो टॉपिक हमने कराए हैं, इफ और लूप दोनों एक साथ हम आपको कल से कराएंगे।